हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यस, हम भी जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल बजे 5:30। हमें ट्रेन की टिकट्स तो नहीं मिली है, पर हम लोग जाएंगे बस से। लेट्स गो। अभी 6 बजे प्लान है एक दोस्त के घर मिलने का, और वहाँ से कैब करके हम लोग कातरक स्टेशन जाएंगे, जो बस डेपो है वहाँ पे, और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे हम्पी के लिए। मेरा बैग तो ऑलरेडी पैक है, इसलिए निकलते हैं हम्पी के लिए। चलो का टाइम हो गया है और इट्स अराउंड 7:30। अच्छी खासी नींद हो चुकी है बस में। काफ़ी स्टेडी थी बस, तो मुझे कंफर्टेबल लगा, नींद अच्छी हो गई। तो हम काफ़ी नज़दीक है हम्पी से, ऑलमोस्ट 1/2 आवर दूर है। हमारी प्रायोरिटीज़ है, फर्स्ट जो है ब्रेकफास्ट कर लेना है, उसके बाद फिर बाइक्स ले जो रेंटल शॉप है वहाँ पे जाके देखना है कि हमें पर डे कितना हमें रेंट पड़ेगा बाइक्स के लिए। नॉर्थ हम्पी में हम स्टे कर रहे हैं, नॉर्थ हम्पी यानी कि सनापुर लेक जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ पे हम रहेंगे और नज़दीकी एरिया एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स वेट टिल वी रीच होस्पेट, टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून। तो होस्पेट उतर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सनापुर लेक के पास। तो सनापुर लेक के लिए हम लोग ऑटो देख रहे थे। ऑटो के लिए उन्होंने बोला 300 रुपये और एक जन तो बोल रहा था 400 रुपये। सो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग बस से जाएंगे, जो काफ़ी चीप पड़ेगा, ऑलमोस्ट 15-20 रुपीज़। हम भी जाएगा ना ये बस? जाना तो बस से था पर प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि जो बस हमें चाहिए थी वो आई नहीं है टाइम पे और हमें लेट हो रहा है। तो हमने रिक्शा पकड़ी है, 250 है हम्पी बाज़ार के लिए। तो अभी वहाँ पे जाके हम लोग सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी थी बाइक के लिए देखेंगे रेंट पे। चलिए। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई है, विरूपक्ष टेंपल के सामने जो एक स्टॉल है वहाँ पे हम आ चुके हैं। हमने लिए 2 पूरी भाजी और एक भाजी। यहाँ पे सिर्फ लूना बाइक्स मिलते हैं, तो एक्टिवा और ये शायद नहीं मिलते। तो अभी प्लान है कि पहले फेरी के लिए जाना है, तो फेरी के नज़दीक भी उन्होंने बोला है कि बाइक्स रेंट पर मिलती है, तो पहले वहाँ पर जाते हैं और अगर बाइक्स मिलते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर फेरी से हम लोग सनापुर लेक के लिए हम जाएंगे। तो ये 2 बाइक लिए हमने, 600 रुपीज़ है पर बाइक का, और कल सुबह आके इनको देना है 9 बजे। उन्होंने चार्ज किया है 1 लीटर का 120 रुपये। सो एक बाइक हमें टोटल पड़ी एक दिन के लिए 720 रुपीज़। तो हमने 2 बाइक लिए, तो अभी हम जा रहे हैं हमारे स्टे के पास। चलो। चलो गाइस, 3:30 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं अभी चिंतामणि टेंपल, जो हिप्पी लैंड हम्पी से 4.5 किलोमीटर दूर है। और हमारा जो नेविगेटर है मिस्टर कदम, वो हमें नेविगेट कर रहा है अभी और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं जिनके पीछे बैठा हुआ है नदीम। हाय नदीम।
पहुंच गए, पार कर दिए बाइक और निकल पड़ते हैं ऊपर। चढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो वो हनुमान मंदिर है। तो इतना ऊपर चढ़ने के बाद, ऑलमोस्ट 600 स्टेप्स चढ़ने के बाद, हमें ये व्यू मिलता है जो बहुत ही खूबसूरत है। और अभी तो सनसेट भी हो रहा है तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड अगर आप ऊपर से देखें तो हम्पी ऐसे दिखता है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे काफ़ी पीसफुल लग रहा है, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और अंदर, जैसे मंदिर के अंदर फोटोज अलाउड नहीं है तो हम क्लिक नहीं कर पाए, पर वहाँ पे लाइक एक बड़ी मूर्ति है बहुत अंदर, और साइड में छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं। बहुत बड़ी मूर्ति है तो काफ़ी अच्छी है और दिखने में मतलब काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे ऊपर आते समय सब जय श्री राम बोल रहे थे, जो काफ़ी अच्छा लगा सुन के, बहुत जोश है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल ये सनसेट इन्जॉय करते हैं and I'll spend my time with my friends. Till then, you guys stay tuned.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Apna visit complete ho chuka hai aur hum log abhi descend kar rahe hain fine road trip se. To niche ja rahe hain aur uske baad dinner ka kuch plan karenge. To chalo. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. गाइस गुड मॉर्निंग डे टू हम्पी का. 6 बजे उठे हैं, सब कुछ कर लिया है टाइम पे और अभी हम निकल रहे हैं. तो चेक इन 9 बजे का है और पद्मा हम्पी होम स्टे है. तो वहाँ पे हमने दो रूम बुक किए. एक रूम में दो इंसान सोएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा. एवरेज रूम साइज़ है तो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है. अभी फ़िलहाल तो ऑल सेट एंड रेडी, बैग पैक है और चेकआउट करने के लिए तैयार है हम लोग. तो बस बिल भर देते हैं यहाँ का और निकलते हैं. चलो. अरे इनकी गाड़ी रुक गई है, टाउन टेन से स्टार्ट नहीं आई. चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी डे टू की. अचानक से हमें एक प्लेस दिखती खाने के लिए. देखते अंदर जाके क्या क्या मिलता है सुबह के ब्रेकफास्ट में. चला बोल रहा चटनी सांग जा रहा है चटनी स्पीड. ब्रेकफास्ट इज डन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर होम स्टे. मेन एरिया के नज़दीक है जो हम्पी बाजार है और विरूपक्ष टेम्पल है तो उसके 500 मीटर नज़दीक ही है. वी आर हेडिंग देयर. बाइक वापस दे दिए और अभी हम रिवर क्रॉस करके रिवर के उस साइड जाएंगे. चलो रिवर क्रॉसिंग. पैरोसिंग. लास्ट टाइम जब क्रॉस किए थे तब गिर गया था मैं, फॉर्चुनेटली वीडियो में नहीं आया. तो इस बार ध्यान से क्रॉस करेंगे और नीचे जाएंगे. ये आ जाता शायद. डे टू चेक इन करने का टाइम हो गया था. तो जैसे ही हम लोग चेक इन करने गए तो हमें बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ. ये एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हम्पी एक रिलीजियस प्लेस है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं. हमारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए हम्पी का अगला व्लॉग.